हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार शाओमी के लिए रेडमी नोट 7 प्रो के लिए फाइनली MIUI EU रोम की एक नई अपडेट आई है जो कि है 9.5.23 की, जो कि बीटा अपडेट देखने को मिलती है और इसके अंदर काफ़ी एक अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको ये वीडियो में आज की बताने वाला हूँ क्या क्या फीचर्स आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार रेड कलर का नीचे जो सब्सक्राइब बटन दे रखा है उसको ज़रूर दबा दीजिए, साथ ही साथ उसको दबाएंगे तो घंटे का आइकन भी आएगा उसको भी दबा देना, ताकि आपको वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे बात कर लें, ये MIUI का आपको EU वर्जन देखने को मिलता है, यूरोपियन कम्युनिटी का ये वर्जन यहाँ पे रहता है। इसमें व्हाट्स न्यू में चल के देखेंगे तो आपको एक दो फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक यहाँ पे चेंज लॉक आपको देखने को मिल जाता है छोटा मोटा, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चेंज लॉक की बात करें तो यहाँ पे एक बार ओपन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देख सकते हो तो चेंज लॉक में आपको देखने को मिल जाएगा मूव डार्क मोड टू डिस्प्ले सेटिंग्स फॉर एंड्रॉयड 9 डिवाइस। आपको पता होगा डार्क मोड रेडमी नोट 7 नोट 7 प्रो में आपको नहीं देखने को मिलता है, अभी तक ऑफिशियली डार्क मोड डिस्प्ले के अंदर नहीं आया था, जो कि था वो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन अब फाइनली इन्होंने डेवलपर ऑप्शन के ऊपर से हटा के डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ला दिया गया है। तो यहाँ पे डार्क मोड इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, आपको ध्यान होगा ये डेवलपर ऑप्शन के अंदर इसी तरीके से देखने को मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक ऑलवेज ऑन या ऑलवेज ऑफ। तो ये अब आपको डार्क मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो कि आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाती है, वो है गैलरी के अंदर ऑप्शन जो कि है स्काई चेंज करने का। तो ये काफ़ी कूल ऑप्शन मुझे लगा, लिटरली ये इमेज देख सकते हो, ये मैंने इसी से क्लिक करी है और नाइट कंडीशन में यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करा है। एक बार फिर से अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो ये पिक अभी मैंने क्लिक करी है। अब इसके बाद जो शाओमी का यहाँ पे जो स्काई चेंजर एप्लीकेशन है, जो मतलब गैलरी के अंदर ही आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है, उससे मैंने यहाँ पे ये करा और यार लिटरल चेंज देख सकते हो आप, क्या धांसू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, क्या मस्त डिटेलिंग के साथ आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, जो कि गैलरी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। अभी आपके सामने यहाँ पे मैं इसको एक बार चेंज करके ये कोशिश करना चाहता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो देख सकते हो ये इमेज है, एडिट में चलते हैं, फिल्टर में चलते हैं, स्काई आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे सनी हम इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे सनी सिंपल सा हो गया, क्लाउडी आप देख सकते हो, क्लाउड्स ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, नन आप इस तरीके से, सनी आप ये देख सकते हो, क्लाउडी, रेनबो आ जाएगा इसमें ऐड होके, ग्लो यहाँ पे आ जाएगा और डस्क, साथ ही साथ सनसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आई थिंक सनसेट इसमें काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है। उसके अलावा आप अगर कोई और एडजस्टमेंट करना चाहो, एडजस्ट करके आप यहाँ पे ब्राइटनेस फ्रेम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे पसंद आए आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन वगैरह को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली सेव कर दो तो अब आप ड्रास्टिक चेंज देख सकते हो यहाँ से यहाँ पे, ओ माय गॉड, तो क्या मस्त आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ की मैं बात कर रहा था जो कि आपको फ्यूचर में आने वाले बीटा अपडेट में, उसके बाद स्टेबल अपडेट में, ग्लोबल में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको ग्लोबल में MIUI 11 के साथ मिले, इसमें अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, लेकिन ये MIUI EU चाइना के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें ये आपको फ़ीचर सबसे पहले देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी धांसू फीचर यहाँ पे लगता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको कैमरा में आपको डायनेमिक शॉट्स लेने का भी ऑप्शन मिल जाता है। डायनेमिक शॉट्स मतलब अगर ये एक साथ काफ़ी सारे यहाँ पे शॉट कैप्चर करता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूँ और जो बेस्ट शॉट है वो आप इसके अंदर चूज़ कर सकते हो, उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये डायनेमिक शॉट कैप्चर हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, और आपको जो भी फ्रेम बीच में आपको यहाँ पे लेना है आप उस फ्रेम को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे बेस्ट शॉट जो भी होगा वो बेस्ट शॉट आपको यहाँ पे दिखा देगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से बेस्ट फोटोज़ जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे यहाँ पे देखने को मिली, जो कि है चार्जिंग एनिमेशन के एक थोड़ा सा चेंज, तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरीके से देख सकते हो मैं यहाँ पे चार्जिंग में इसको लगाता हूँ और लॉक करते हैं, तो चार्जिंग एनिमेशन इस तरीके से शो होता है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप क्विक चार्ज फास्ट चार्ज कर रहे हो तो उसका भी एनिमेशन आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है। पहले ये चीज़ यहाँ पे विजिबल नहीं थी कि क्विक चार्ज हो रहा है कि सिंपल चार्ज हो रहा है, किस तरीके से चार्ज हो रहा है, तो ये चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने इसमें ऐड करा है कि कौन से चार्जिंग से आप यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाती है।
यही कुछ चीज़ आपको MIUI EU के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या क्या इसके अगर अच्छे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर हैं क्योंकि चाइना बेस्ड है।